बिलासपुर के पांचों पांडव आज महाराज सम्राट विराट नगरी को जाकर महाराज विराट के यहाँ किस प्रकार से नौकरी करते हैं। इधर महाराज विराट अपने राज दरबार में बैठे क्या वार्तालाप विमर्श करते हैं और वही पांचों पांडव आज अपना नाम बदलकर अपना भेष बदलकर एक वर्ष का अज्ञात वर्ष व्यतीत करने के लिए आज छुप छुप राजा विराट की नगरी में निवास स्थान लेते हैं। किस प्रकार से आइए शीत के माध्यम से श्रवण करते हैं। महाराज विराट को देखते हैं। महाराज की जय हो। सदा सुखी रहा द्वारपाल। द्वारपाल महाराज बोलो राज के क्या समाचार है। महाराज राज के क्या समाचार बताएं। राज का सारा कारोबार और सारा कामकाज इस समय अकेले हमें ही उठाना पड़ता है महाराज। इसलिए और नौकर सब कहाँ गए महाराज। राज्य के अनेक नौकर इस समय छुट्टी पर है महाराज। क्या छुट्टी पर? बिल्कुल महाराज। आज किसलिए महाराज? आपको नहीं मालूम है आपके राज्य में अनेक प्रकार के काम थे, अनेक प्रकार के नौकर थे, लेकिन जो आपके वो साले कीचन है, आपके साले कीचन के भय से अनेक नौकरों ने इस्तीफा दे दिया और अनेक नौकर छुट्टी पर चले गए। यानी नौकर भाग गए। नौकर भाग गए तो अरे वो मेरा सारा कीचक काम काज ढंग से करता है और नौकर हराम खोर थे, चले गए जाने दो। वो मेरा सारा वफादार है और नौकर चले गए, दूसरे नौकर की भर्ती कर लो, ऐलान कर दो कि राजा विराट का जगह खाली है, अगर कोई नौकरी करना चाहता है नौकरी कर ले। अवश्य महाराज, नौकरों को भर्ती तो करना ही पड़ेगा महाराज, क्योंकि सारा कार्य मैं अकेले नहीं कर सकता। अकेले कहाँ कर पाओगे, इसलिए ऐलान कर दो कि राजा विराट का जगह खाली है, अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो कर सकता है। अवश्य सभी को ऐलान किया जाता है, सभी को सूचना पहुंच जाती है। जिसके पास कोई काम धंधा ना हो तत्काल महाराज सम्राट के नगरी को आए और नौकरी करे, अच्छा खासा पैसा कमाए। आ भैया नौकरी जिसको चाहिए तत्काल आओ, बहुत सारे रिक्त पद खाली पड़े हैं, रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नए नए नौकरों की भर्ती की जा रही है। जिसको काम की तलाश हो, महामारी रोजगारी नहीं मिल रही हो, तत्काल भाग के आओ, दौड़ के आओ और काम पाओ, ड्यूटी करो, पैसा लो, मजा करो। आ भैया कोई नौकरी करना चाहत है, कोई नौकरी करना चाहत हो तो आवे भैया, अच्छे पैसे दे आवे। नौकर ही नहीं है तो सारा बोझ हमें उठावे पड़ी। भैया हाँ भैया कहाँ जा रहे हो? भैया हम नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी करना चाहते हैं की तलाश में भैया घूमे, कोई काम वाम? नौकरी की तलाश से भटक रहे हो? महाराज से पूछ लो कोई काम वाम हो तो रखो। अरे हम महाराज का सारा काम हमें संभाली दे रहे। भैया मेहरबानी आपकी होगी। अच्छा काम ढूंढ रहे हो? अवश्य। अच्छा अच्छा चलो काम मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हसनापुर से आया हूँ। और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम बल्लभ। अच्छा हसनापुर से आए हो, तुम्हारा नाम बल्लभ है? मैं राजा धर्मराज जी के वहाँ काम करता था। अच्छा अच्छा तो कोई दिक्कत हो गई महाराज? हाँ ऊपर कोई दिक्कत हो गई, पैसा नहीं दे रहे हमको। अच्छा हमको परिवार चलाना पड़ता है पैसे की जरूरत। तो भैया ये है नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये बताओ
कि आखिर तुम काम कौन कर सकते हो? भैया काम जानते भैया हम कौन सा काम कौन सा काम कर सकते हो? कि मैं हूँ भैया कि मैं हूँ मैं रसोईया गिरी का काम कर लेता हूँ और मेरा नाम बल्लभ है भैया। और इतनी महीनी रोटी बना लेती हो पीपल के पत्तों के समान। आप खाओगे तो आपको मालूम नहीं देगा रोटी का। पीपल के पत्ता कती पतरी रोटी बना लेती हो। हाँ भैया। द्वारपाल महाराज क्या रसोई वाला भी चला गया था? रसोईया वाला भंडरिया तो न जाने कब से छुट्टी लगाए हमारा। ठीक तो इसे रख लो। इनका रख ले। और ये कहाँ से आया? ये बता रहे हैं मैं हसनापुर से आए हैं। हसनापुर में वहाँ क्या कर रहे थे? इससे पहले क्या नौकरी कर रहे थे? भैया मैं राजा धर्मराज के वहाँ नौकरी करता था लेकिन कुछ कारणों से उनका वनवास हो गया, वो चले गए तो हमको निकलना पड़ा, कहीं काम करना है भैया। अच्छा अच्छा महाराज रख ले। द्वारपाल ये तो भीम जैसा मालूम पड़ रहा है। मेरा नाम बल्लभ है। बल्लभ है। बल्लभ बल्लभ। हाँ तो इनका नाम पता लिख ले। हाँ दूसरा लिख लो। नाम बल्लभ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम नहीं लिखो। पिताजी का नाम ना लिखो, मेरा नाम लिख लो। क्या नाम? बल्लभ। चलो पिताजी का छोड़ो। ग्राम हसनापुर। बीबी है? नहीं। बीबी नहीं है। शादी भवे है? नहीं नहीं भवे। चलो कोई बात नहीं। तो कहीं जा यू खाना पानी बनाई हो, रसोई गिरी क्या काम करी हो? हाँ भैया। वही के बदले में है भैया तनख्वाह कत्ती ले। भैया मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। फिर ही काम करी हो? एक भैया मेरी शर्त है बस। शर्त? बाकी महाराज तनख्वाह उनका पैसे वैसे कुछ नहीं। कौन सी शर्त है? कौन सी शर्त है बताओ भाई। भैया कि बचे के सस्तता खाता हूँ एक मन की रोटी। हाँ भैया कि बचे के तनख्वाह महाराज कुछ नहीं लूंगा, बस केवल मुझको भोजन करा देना बस। महाराज कहते याक मन की रोटी याक दाम खाई है। अगर याक मन की महाराज रोटी याक दाम खाई है तो महीने भरे में यहाँ तो अपन पूरा गोदाम खाली कर। अरे नहीं, अगर एक मन की रोटी खाता है तो काम भी करता होगा। एक मन की भैया रोटी खाते हो
तो एक मन की रोटी के हिसाब से काम कौन और करते हो? काम मैं बहुत करता हूँ भैया। और कौन काम कर लेते हो? जानते हो भैया कि मैं कबीर कि मैं कबीर योद्धा भी हूँ, केवल रोटी की चाहत दस भी संभल आकर मुझसे कर सकते योद्धा भी केवल रोटी नहीं खाता हूँ, मुझसे 10-20 लोग एकदम से आप छोड़ दो, मुझसे जीतेंगे नहीं। अच्छा 10-20 व्यक्ति आया सबका हरा दिया सबको, तो तुम बहुत बढ़िया दी महाराज। देखिए द्वार पर हमारे वहाँ दंगल होता है और इसको मत बाहेंगे। अब दंगल हो तो इनका आजमावा जाए कुश्ती लड़ना भैया। इनका रख लिया फिर 5 योद्धाओं का अकेले प्रयास कर देता है तो दंगल में शायद आएंगे। दंगल फिर इनके द्वारा लाखों रुपए ठीक ठीक रख लो उसको। जाओ भैया कल ड्यूटी पर आ जाओ भैया, कुछ भूख लगी जाओ जाओ रसोई में बनाओ। जाए तुम है बनाना खाना तो काहे की दिक्कत है, जाओ बनाओ खाओ जाए खूब बनाओ महाराज। ठीक 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 सदा सुखी रहो। जाओ जाओ ओ भैया को मन की रोटी आकर हम खाते हैं। आइए आइए भाई, किसी को नौकरी की तलाश हो तो अभी बहुत सी जगह खाली पड़ी है, दौड़ के आओ भाग के आओ, नहीं तो रजिस्टर बंद हो जाएगी, एंट्री खत्म हो जाएगी, फिर अगले दिन खोला। हेलो कहाँ जा रहे हो भैया? मैं राजा विराट से मिलना चाहता हूँ क्योंकि नौकरी की तलाश में आया हूँ। अरे भैया नौकर हम ढूंढ रहे हैं। क्या नौकरी हमें मिल जाएगी? मिल गई भैया नौकरी मिल गई। हाँ बताओ कहाँ से आए हो? मैं हस्तनापुर से आया हूँ महाराज। हस्तनापुर से एक और लेबर आवा है। क्या हस्तनापुर से? हस्तनापुर में का भैया है भैया का? नहीं हस्तनापुर में धर्मराज को वनवास हो गया है, जब से उनको वनवास हुआ है तब से हम लोग बेसहारा हो गए। अच्छा आप हस्तनापुर से आए हैं, इसके पहले नौकरी धर्मराज कहा करते थे? हाँ महाराज। तो ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? अवश्य सब कुछ बतलाऊंगा राजन। तो महाराज सुनो लीजिए, नाम है मेरा कंक, ब्राह्मण हूँ मैं जाति का, अंत हो गया रंग। मेरा नाम कंक है, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, परंतु इस समय तो रंक हूँ और रहने वाला जानते हो राजन? बोलो। कि अपने कुरु देश सुना होगा मैं उसी देश से आया हूँ। But
होगा मैं उसी देश से आया हूँ और आपके यहाँ नौकरी करने हेतु आया हूँ। क्या आप नौकरी करना चाहते हो? तो बतलाया था कि इसके पहले नौकरी कहाँ करते थे? इसके पहले नौकरी मैं धर्मराज के वहाँ करता था। धर्मराज के यहाँ वहाँ कौन सी नौकरी करते थे? नौकरी जानते हो राजन, मैं कौन सा काम कर लेता हूँ? कौन सा काम कर लेते? विद्या में पासे कायद खुद चमत्कार दिखा सकी का खेल खेलता हो, खिला सकता हो और अगर कोई सीखना चाहे तो उसे सिखा भी सकता हूँ। लेकिन एक हमारी शर्त रहेगी राजन। कौन सी शर्त है? हे राजन, कि परिये को शर्त है राजन, जो राजन, जो मैं द्रव्य जीत जाऊंगा उसे मैं वापस नहीं करूंगा, ये मेरी शर्त है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सुनो कि जाओ शर्त खेले मुझे प्रिय है इसलिए रहो। देखिए बहुत योग्य आदमी है और आज से मैं इसे क्या बना रहा हूँ कि अब से है
तंग का महामंत्री, मैंने इनको महामंत्री पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ, जान ले हो, समझ में आई बात? इनको मैं महामंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ, आज से सारा काम ये करेंगे, शासन सब इन्हीं के हाथों में रहेगा। ठीक महाराज का महामंत्री बना दें फिर, आज से महामंत्री हो तुम, अब से है कंक महामंत्री, इनके परामर्श द्वारा शासन का काम करे तंत्री, इनके द्वारा सारा कार्य होगा। शासन काम करो, चौसर के महाराज का मनोरंजन दो, और जितने नए चौसर सिखाए वाले हैं उनका बराबर सिखाओ। आज जो द्रव्य जीतेगा सारा द्रव्य इनको मिलेगा, अब मेरे ही परामर्श से सारा कार्य होगा। जाओ कल लिखो मेरा नाम, नाम बोलो कंक, रंग कंग, काप रंग की बूंदी लगा दी, का काप रंग की बूंदी, फिर का अच्छा, ग्राम हसनापुर, हसनापुर मेरुआ और वह सही लिखा, मेरुआ है नहीं, बाप का नाम नहीं, चलो चलो ठीक, आधार कार्ड फोटो कॉपी डाल दियो, छेड़ जाओ काम लग जाओ, जाओ आधार फोटो कॉपी भेज दियो, जाओ काम पे लागो जाओ, ठीक जाओ। महाराज क्या है, दो ही तो हो गया, आपको चौसर ख्याल वाला हो, ठीक ठीक सभी आ गए, ऐसे एक रसोई वाला हो गया, खैर दो ही तो नौकरी है, मिल रसोई वाला हो गया और बहुत योग्य आदमी है, ब्राह्मण है जात का आदमी है यार। आहा हेलो, अरे द्वारपाल, हाँ भैया कहाँ जा रहे हो? हम राजा विराट नगरी जा रहे हैं नौकरी के लिए। राजा विराट नगरी में आपका स्वागत है, बोलिए कौन सा काम करने की तलाश कर रहे हो? हम गौ चराते हैं। अच्छा गैया चरा लेते हो, तो गैया चराए वाला काम करी हो द्वारपाल? मारा क्या ग्वाला भी गया पूछ लेता, गैया चराए वाला काम करी हो? हाँ मैं गैया चराता हूँ। चराओ तो हमारे वहाँ गैया चराई हो, तुम्हारे वहाँ भी चरा दूंगा। अच्छा नौकरी रख लिया भाई तुमका, गैया चरायो और गैया चरो, पैसा कह लिया भैया? जितने दे दे उतने ले लूंगा। हाँ तो एक रुपया 60 पैसा महीनवा जी दिया, जितने दे उतने ले लूंगा ना। चलो ठीक महाराज, एक गैया चरा वाला ग्वाला मिला है जी का 3300 रुपया महीनवारी के लिए। गौ है, तुम चुप रहो, महाराज से बता दे तुम्हारे, ठीक ठीक, अगर आपने वहाँ वो भी नौकर चला गया है तो रख लो उसको। चलो ठीक कल इस काम में पा जाओ, ठीक ठीक जाओ जाओ जाओ। और कोई काम की तलाश कर रहा हो भाई तो तत्काल आ जाओ। हेलो कहाँ जा रहे हो भैया? मजे मजे। अरे भैया मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। नौकरी की तलाश में आई हूँ? हाँ। अच्छा तो नौकरी तो खैर तुमका दे दिया गए हमें, लेकिन कहाँ से नहीं हो पहले परिचय बताओ। अरे भैया मैं हसनापुर से आया हूँ। हसनापुर से आया हूँ, तुम्हारा नाम का है? मेरा नाम क्रांतिक है भैया। क्रांतिक? हाँ भैया। अच्छा तो पहले क्रांति में यहाँ भाग ले रहा हूँ, गांधी जी के क्रांति में रहो? नहीं भैया मेरा नाम क्रांति। अरे हम कहे गांधी जी के क्रांति में रहो तुम यार। चलो ठीक है भैया, क्रांति जी आप काम कौन सा करते हो? अरे भैया जो कोई काम छोटा मोटा हो वो मैं कर सकता हूँ भैया। छोटा मोटा काम कर लिया? हाँ भैया। अच्छा अच्छा चलो महाराज से बात कर ले। महाराज एक और नौकर हसनापुर से आया है, कहा तुम्हें क्रांति हूँ। अच्छा ठीक है, रख लो बात है, जौन काम बताओ तुम तो। ऐसा है तुमका रोज घड़वन के लीज लिखारे साफ करे पर घड़साल में तुमको नौकरी दी जाती है, ठीक ठीक ठीक। इस काम के बदले में यहाँ तुमका 250 रुपया महीना दे आप, ठीक है ठीक ठीक। जाओ कल से ड्यूटी पे आ जाओ। चलो खा 250 वाला महाराज जी नौकर गए हैं 46 रुपया महीना करे हैं, ठीक 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 ठीक।
द्वारपाल महाराज देखो कौन है। हेलो, कहाँ से आ रही हो? मैं तो इस समय हसनापुर से आ रही हूँ, नौकरी के वास्ते आई है। नौकरी की तलाश कर रही हो? हाँ। का जरूर नौकरी पर धर दिया भाई, बड़ा यार मनोरंजन दिया है तो। हाँ, नौकरी करोगी? कौन सा काम कर सकती हो तुम? मुझे स्वर और संगीत नाटक के विषय में बहुत नॉलेज है। स्वर संगीत का ज्ञान है तुम्हें? और क्या, यानी कि डांस कर सकती हो और डांस सिखा भी सकती हो? और क्या। वाह, तो बढ़िया बात है यार। अपना परिचय बताओ आखिर, तुम्हारा नाम क्या है? क्या बताऊंगा, बताओ। और कहीं रहे यो के नौकरी करी हो हमरे उम्र रही हो कि चली गई हो? करे रोज रोज क्यों रोज चली जाऊंगी, यही रुकी हो करे? और क्या। अच्छा, नौकरी जैसे मान लो स्वर संगीत में हम तुमका भर्ती कर दिया वे, तो उसके बदले में हम पैसा कत्ता ले हो? हे हे हे, पैसा कितने देंगे? अब ज्यादा ज्यादा 650 रुपए के ऊपर तुमका नहीं देंगे। अरे इतने में क्या होगा 650 में? ये तो मेरे डली के पैसे हैं, डली के। 650 फिर डली खाती है? फिर 50 का मोल दिया भाई, 600 दिया। इतने में क्या होगा? ये तो मेरे कत्थे के पैसे हैं। 600 रुपए कत्था खाती? चलो 1200 दे दिया। इतने में क्या होगा? ये तो मेरी जूती के पैसे। 1200 की जूती पहनती है वो? चलो 2000 डायरेक्ट दिया। अरे इतने में क्या होगा, तू नहीं जानता? 2000 नहीं बढ़ा देना। अरे तेरी तीर्थ से क्या जाएगा, बढ़ा देना। पूछित है कहाँ से आई हो और कौन काम कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, पूछित है। 4000 और बढ़ा दे, 1,00,000, 2,50,000। अब नहीं बढ़ी, 2,50,000 का महीने में दिया, नहीं बढ़ाया, ज्यादा बोले 2,50,000। इतने में कुछ नहीं होगा। अब नहीं बढ़ाई भाई, नहीं बढ़ाई, अब नहीं बढ़ाई। देखो आंखी में कीचड़, गाड़ मारे सनीचर, चला है बोलने आगरे से गाड़ी लदी उसमें पानदान, गाड़ मरावे तेरा सारा खानदान। ए बेटा ज्यादा बोलेगा तो झाड़ू तेरा झाड़ दूंगी। हाँ, एक फोन पर हजारों बुला लूंगी, तेरे तीर से क्या जाएगा, बढ़ा देना। भैया यहाँ कौन अंग्रेजी जी यार, यू बिटौनी या कि कोनो और हुआ है? हमका कुछ शंका है, ट्रेनर वाला तो नहीं आया हुआ है? हाय मरिज्जा खूब बजाना, हाय मरिज्जा खूब बजाना। अच्छा अपना नाम बता, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम सुनो। बताओ बताओ, मेरा नाम जानना चाहते हो? सुनो कि कहे हे मुझको ओ बहन मनला ना नर हूं ना
ना नर हूँ और ना नारी। तो सार पक्का हिजरा ही ना नर है ना है नारी तो छक्का ही आए। क्या बोल रहा कहते हैं तुम पर रख लिया काम पर है रख ले और रख लिया भाई लेकिन दिन भर ऐसी ऐसी काम धाम कर रात एक पहुड़े हमारे हेत पर कितने देगा तनखा ढाई लाख महीना बताए ना ढाई लाख ढाई लाख मैं तेरे पास पहुड़ू तो कत्ते पहुड़ी इतने में काम नहीं चले और बड़ा दे और नहीं बढ़े भाई 7 लाख ठीक है 7 लाख बर्बाद ही मुझे इनका छुआना भाई गई तुम सर संगीत का ज्ञान रखती हो लेकिन पहले हमें यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू हो पहले तुम सर संगीत कुछ हमें गा के और सुना के नाच गाना दिखाओ मुझे हो मोहे दीजो राजा हो मोहे दीजो राजा सुने जाओ कल इसने महाराज की बेटी को स्वर और संगीत का ज्ञान देना ठीक है मैं नाटक ठीक है कभी कभी हमारे नाटक घर आ जाया आ जाओ ठीक है मैं जा रही हूँ जुग जुग जीवे तुम्हारी रात हम सब द्वारपाल महाराज नौकर पूरे हो गए हाँ नौकर लगभग सब पूरे हो गए थे जो ना आवत रहे तो भर्ती करते रहा फिर और ठीक चलो
मुझे अपने पास नौकरी के लिए रख लीजिए महाराज। क्या बेबी, आप मेरे पास नौकरी के लिए आई हो? ये बेटी, तुम तो ये बताओ पहले, क्या कहीं और नौकरी करती थी? महाराज जी, इससे पहले मैं हसनापुर में नौकरी किया करती थी। क्या तुम इससे पहले हसनापुर में नौकरी किया करती थी? हाँ महाराज जी। अच्छा, तो जानती हो कि सैलरी